पीएम मोदी के कृषि कानून वापस लेने के फैसले पर आपने खुशी का इजहार किया है, जिसके चलते पार्टी ने जनपद पौड़ी के चौबट्टा खाल विधानसभा में पटाखे फोड़कर और एक दूसरे को मिठाइयां बांटकर खुशी जाहिर की। वहीं पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्मोहन नेगी ने कहा कि यह फैसला 700 किसानों की शहादत की जीत है। उन्होंने कहा कि यह कानून समाप्त होना ही चाहिए था, क्योंकि केंद्र सरकार किसानों की आवाज दबा रही थी, लेकिन किसान की आवाज को कोई नहीं दबा सकता। उन्होंने कहा पार्टी की भी जीत है, जिन्होंने किसानों के साथ खड़े रहकर किसानों की आवाज बुलंद की और अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काले कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला लेना पड़ा। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आज दीपावली भी है और गुरु नानक देव जी का भी जन्म दिवस है, और इस अवसर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों काले कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है। और उन्होंने कहा है कि किसानों को समझने में वक्त लग गया, पहले तो हम उनके फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ 700 किसानों की शहादत के बाद आज उनको बहुत देर से समझ में आया है। खैर, मैं सबसे पहले सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, सभी प्रदेशवासियों को बधाई देता हूँ कि तीनों काले कृषि कानून वापस हो गए हैं। ये किसानों की जीत है, ये उनके संघर्ष की जीत है। और जो लोग किसानों को खालिस पानी कह रहे थे, जो लोग देशद्रोही कह रहे थे, उन सब लोगों के मुंह पर एक तमाचा लगा है। निश्चित तौर पर हम इस फैसले का स्वागत करते हैं, और किसानों की ये शहादतें, जो 700 शहादतें उन्होंने दी हैं, वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे।